अगर इनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर बच्चा 8 दिन तक फीस में थोड़ी सी आनाकानी करे या फीस को वो थोड़ी सी देरी से पे करे तो ये फाइन पे फाइन लगा देते हैं साथियों। और जब एक टीचर को ये 8 महीने तक सैलरी पे ना करे तो इनके ऊपर कौन सा फाइन लगाया जाए? कुछ फाइन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संचालकों के ऊपर भी लगाया जाना चाहिए जो 8-8 महीने तक टीचर की सैलरी नहीं देते। ऐसा कोई फाइन या ऐसा कोई प्रावधान कानून को करना चाहिए साथियों कि अगर ये टीचर की सैलरी टाइम पे ना दे तो इनके ऊपर भी कानून लगे। जैसे ये बच्चों को लूटते हैं, 8 महीने तक अगर बच्चा इनकी यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट नहीं करवाता तो 8 महीने तो छोड़ दीजिए साथियों, 1 महीने में ये बच्चों को लोन लेने के लिए मजबूर करते हैं और बच्चे लोन उठा के इनकी फीसें भरते हैं। और 8 महीने तक तो साथियों ये लोगों की ज़मीनें बिकवा देंगे, लोगों के घर बिकवा देंगे अपनी फीस पूरी करने के लिए साथियों। तो सोचिए इस फंडे को। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब बच्चों से फीस लेने की बारी आती है तो पहली जो मिनिमम फीस होती है साथियों वो 35,000 से 40,000 तक होती है। और अगर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ को सैलरी देने की बात होती है तो वो सिर्फ 15,000 से 18,000 के बीच में होती है साथियों। और कुछ स्टाफ होता है जिनकी 21,500 होती है, इससे ज़्यादा ये लोग सैलरी नहीं देते हैं साथियों। तो बच्चों को भी लूटते हैं ये लोग और टीचर को भी लूटते हैं ये लोग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब बच्चों से फीस लेने की बारी आती है तो पहली जो मिनिमम फीस होती है साथियों वो 35,000 से 40,000 तक होती है। और अगर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ को सैलरी देने की बात होती है तो वो सिर्फ 15,000 से 18,000 के बीच में होती है साथियों। और कुछ स्टाफ होता है जिनकी 21,500 होती है, इससे ज़्यादा ये लोग सैलरी नहीं देते हैं साथियों। तो बच्चों को भी लूटते हैं ये लोग और टीचर को भी लूटते हैं ये लोग। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।